आज हमें प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 का 3 क्वेश्चन बताया जाए तो देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंदों का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें हमें देखिए क्वेश्चन में मतलब नीचे देखिए क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले लिख फिर मानना पड़ेगा हमें, लिख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है। तो अब प्रश्न अनुसार समीकरण बनाते हैं। तो लिख लेते हैं फर्स्ट हमारी क्या है, शर्त फर्स्ट। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या हमारा, ये एक बल्ला 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में है। तो हमारा एक बल्ले का मूल्य क्या है, x। तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा हमारा। दो लिख लीजिए 7x, ठीक। फिर हमारे एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या, 6y हो जाएगा हमारा। तो प्लस 6y हो जाएगा, अभी पता नहीं है टोटल। अब इनके बराबर दिया है हमारा 3800 रुपये, तो 3800 रुपये लिख सकते हैं हम। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण, अब इसे हम फर्स्ट समीकरण नाम दे सकते हैं। इसी तरह सर सेकेंड हमारी देखते हैं, सर सेकेंड देखिए, सेकेंड शर्त में क्या दिया, फिर हमारा 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी है। तो लिख लेते हैं 3 गेंद मतलब 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5y बराबर कितने में, 1750 में खरीदी है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड समीकरण। अब देखिए ये हम फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट समीकरण, ये हमारा सेकेंड समीकरण। अब से है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो फर्स्ट समीकरण से लिख लेते हैं, फर्स्ट समीकरण से जैसे एक्स का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 7x प्लस 6y बराबर क्या दिया है, 3800 दिया है हमारा। अब देखिए ये हमारा उधर जाएगा, एक्स का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा माइनस में जाएगा, और ये हमारा इंटू में तो ये जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो क्या एक्स बराबर क्या बचेगा हमारा, बचेगा 3800 हो जाएगा माइनस 6y अपॉन में हमारा हो जाएगा 7। ये एक्स बराबर मान है। अब एक्स का मान अब लिख देंगे, एक्स का मान हम सेकेंड समीकरण में फर्स्ट से निकालें सेकेंड में रख देंगे। तो पर अब देखिए 3 तो लिखना ही पड़ेगा हमें। अब एक्स बराबर क्या लिखना है, हमें लिखना है 3800 माइनस 6y अपॉन में हमारा 7 एक्स की है। फिर हमारा क्या है, प्लस दिया, प्लस लिख लेंगे 5y दिया, 5y बराबर 1750 हो जाएगा हमारा। अब देखिए आगे इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू करें तो क्या होगा, 24 का 4 3 9 और 11 ये हो गया, 20 लग जाएगा हमारा। फिर माइनस इधर 6 18y अपॉन में हमारा 7 प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। अब देखिए इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारा क्या ये इतना ही रहेगा, एलसीएम तो हमारा 7 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 7 से गुणा हो जाएगा, तो प्लस 5 35 वाई हो जाएगा बराबर 1750। देखिए ये हमारा उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये हमारा घट जाएगा, और ये फिर उधर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा। तो कर लेते हैं गुणा, अब इसका पहले इसी तरह उतार लेते हैं, माइनस 18y प्लस 35y बराबर ये इधर गुणा होगा तो हमारा आ जाएगा 12250। अब देखिए अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ये हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा तो बचेगा हमारा सिर्फ 17y बराबर 35 से 18 गए 17 बजा, ठीक। और ये हमारा इधर आएगा तो 1225 माइनस 1104 12250 माइनस करना 11400, तो वाई बराबर बचेगा हमारा, इधर बचेगा हमारा 850 माइनस अपॉन में, फिर हमारा 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 17 से जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो ये हमारा
17 पंचे हमारा 85 होता है, और फिर 0 होता है, ये हमारा 50 आ गया। वाई बराबर मतलब 50, मतलब वाई हमने किसको माना था अभी बता रहे हैं। अब वाई बराबर 50 आ गया। अब देखिए वाई का मान, अब देखिए वाई का मान फर्स्ट में रखेंगे क्या, फर्स्ट में क्या है 7x+6। अब वाई की जगह क्या रखना, 50 बराबर 3800 है हमारा। अब देखिए 7x बराबर, अब ये हमारा इधर जाएगा उधर, तो क्या पहले 5 3300 हो गया, माइनस में हो जाएगा 300, तो 3800 में से माइनस करना है हमें 300। अब 300 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 3500, और 7 से डिवाइड करना है तो 7 5 35 होता है, फिर बचा 500। एक्स बराबर मतलब आ गया हमारा 500। अब देखिए क्या माना था वाई ए एक्स, तो एक्स बराबर हमारा 500, एक बल्ला हमारा 500 का है, और ये गेंद हमारी है 50 रुपये की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।